तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, मैं न्यूज के सामने बैठता हूँ, तो वे लोग पहले कैमरा को ऑफ करने के बाद पूछते, यार तुम क्या हो, इंसान ही हो ना, तुमको डर नहीं लगता है? तो हम एक ही लाइन देते हैं कि सूरज का भी अंत होगा, धरती का भी अंत होगा, हम तो 60 साल की आयु जीने वाले, हमको किस बात का डर है? जब तक रहेंगे झारखंड की आवाज को जोरदार तरीके से हम रखेंगे। एक मामूली सवाल किया कि हमारा खेत भी टैक्स देता है, हम भी मालगुजारी कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, तो जब मेरे खेत में कोई जंगली सुअर आ जाता है, मेरे खेत में जब कोई जंगली हाथी आ जाता है, तब एसपी साहब आप कहे नहीं आते पुलिस का दल बल लेके? तो हम कैसे मानेंगे गांधी का देश है भैया? हम क्यों ना कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आज भी इनडायरेक्ट रूप से चल रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की सत्ता में कायम है और वे अपने अनुसार इस देश की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जब हम स्कूल डेमोक्रेसी के स्कूल में जब मेरा राउंड टेबल था, तो हमारे कुछ साथी आए जो दिल्ली में रहते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, अच्छी सैलरी, आके हम ट्रोजन में थे और टी शर्ट में थे, आके हमें एक शर्ट लेकर आए, जींस लेकर आए, बोला नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं, हम जनता के लीडर हैं, मेरी जनता जो एफर्ट कर पाएगी हम उसी ड्रेस में आएंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगा हम झारखंड वापस चले जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे, कई न्यूज पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जयराम, और जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारी लड़ाई रोटी की है, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है, और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और तो देश के पांचवें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की थी, जो कहा करते थे कि किसानों एक नजर रखना लाल किला के मचान पे और दूसरी नजर रखना खेत खलिहान पे। तो हम तो उन्हीं विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, उसी विचार को आत्मसात करके आगे बढ़े हैं, और हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले युवा हैं। हम चाहते हैं ये भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जो जेल डायरी में लिख के जाते हैं कि इस देश में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज भारत के हालात क्या है ये आपसे नहीं छुपा है, आप सुधारती हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप यहाँ जितने छात्र बैठे हैं इस देश के भविष्य हैं, आपसे ये बात छुपा नहीं है। आज देश की क्या स्थिति है, आज व्यक्ति के पास ये हालात उत्पन्न हो गए हैं कि उसे अपने आप को बेचना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य एक अपने आप को अपने आने वाली पीढ़ी की खुशियों को प्राप्त करने के लिए बंधुआ मजदूर बना के रखना पड़ रहा है। हमारा ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना हमें अभी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है। 8 लोकसभा में हम लोगों को 4 सिंबल मिला, मेरा गैस सिलेंडर था, हमारे 2 साथियों का कैंची था, एक का गन्ना किसान था, 2 का हेलमेट था। तो उन परिस्थितियों के बाद भी हम लोग लगभग 8 लाख वोट 8 लोकसभा से, यानी एवरेज 1 लाख मान सकते हैं, हमने एक एक लोकसभा से लेकर आए, जो कि मतलब आसान काम नहीं होता है। जेएनयू परिवार, आज किस कार्यक्रम की मध्यस्थता करने वाले हमारे भाई रविंद्रनाथ महतो जी, हमारे बीच बैठे जेएनयू परिवार के जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बड़े भाई धनंजय जी, और तमाम जेएनयू के छात्र छात्राएं, और विशेषकर हमारे झारखंडी छात्र छात्राएं, सभी को हम झारखंडी जोहार करते हैं। जय हिंद, इंकलाबी जोहार। आज सबसे पहले चूंकि जेएनयू के संदर्भ में जो बातें हम लोग भी सुनते आए हैं, नो डाउट जब हम लोग भी अपने गाँव के जिलों के राज्य के कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो वहाँ के छात्रों के एक तमन्ना होती है कि हमारा भी नामांकन जेएनयू में हो, क्योंकि काफ़ी कम दर में यहाँ से लोग पीएचडी करते हैं। और जब जेएनयू आने के बाद और तमाम अखबार के स्रोतों के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि लगातार यहाँ के जो फंड है, यहाँ का जो अनुदान है, उसमें कटौती किया जाता है, तो मुझे एक छोटी सी, मैंने बचपन में कहानी पढ़ी, तो उस कहानी को मैं दोहराना चाहूँगा। एक राजा हुआ करते थे, उस राजा के एक अंधा व्यक्ति उनके राज में रहा करता था। तो अंधा व्यक्ति, जाहिर सी बात, उसे कुछ काम दाम होता नहीं था। वो अंधा व्यक्ति दिन भर राजा उसको बहुत अच्छा अच्छा भोजन कराते थे, अंडा मीट मछली खिलाते थे, मिठाई वगैरह, और वो चौक चौराहे में बैठता था, वो चाय की दुकान में बैठता था, वो पान की दुकान में बैठता था, और लोगों के भी चर्चा करता था कि राजा जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्री में उनको खाना मिलता था। तो एक दिन राजा जी को पता चला कि भाई ये तो अंधा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये जहां भी बैठता है, फल की दुकान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, किसी नाश्ते की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में, तो मेरी चर्चा करता है, मेरी तारीफ करता है, तो ऐसा क्यों ना हो कि इसकी आंखों का इलाज कर दिया जाए। तो फिर एस्टिमेट बनाया जाता है, मंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी आंखों का इलाज किया जाए। तो मंत्री जी से रोकते हैं कि राजा साहब खबरदार, अगर आप चाहते हैं तो बकायदा इसकी खुराकी में बढ़ोतरी कर दी जाए, अगर इसको आप 2 अंडा खिलाते हैं तो 4 अंडा खिलाइए, क्योंकि अगर इसकी आंखों का इलाज होगा तो ये सबसे पहले आपके कृत्यों को देखेगा, और ये पहला ऑब्जेक्शन ये बंदा खुद करेगा, इसलिए अच्छा है आप इसको अंधा ही रखें, बल्कि इसकी खुराक को डबल कर दें। तो यही आज हमारे राजनेताओं का, सत्ताधीशों का उद्देश्य है। ये शिक्षा का जीएसटी कितना होगा, 18%, और उसको सोना खरीदना तो 3% में हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सत्ता से सवाल करे, कोई नहीं चाहता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सवाल करे, कोई नहीं चाहता है पीएम केयर फंड पर सवाल करे, कोई नहीं चाहता है कि आज जिस प्रकार हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, उससे हटकर हम एक ऐसी व्यवस्था को कायम करें जहां अमीर और गरीबों के बीच अंतर ना हो, इन विषयों पर कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लिहाजा अगर आज जेएनयू के सामने जो समस्या आई है, तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो अगर सवाल कहीं गूंजता है तो जेएनयू से गूंजता है, तो इसलिए आज सरकारों की नजर यहाँ के प्रति नकारात्मक रही है। लेकिन मुझे आशा है
इस नकारात्मक वातावरण में भी जेएनयू के संबल छात्र, जेएनयू के विचारवान छात्र इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। मेरा परिचय है जयराम कुमार महतो। मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से, किसान परिवार का बेटा हूं। और दो वर्ष पूर्व मैंने एक छात्र मूवमेंट में एंट्री करने का काम किया था। और जब मैंने मीडिया के सामने मैं आया, उनके बीच सभाओं में मैंने अपनी बातों को रखने लगा, तो लोगों के बीच हमारा प्रचार प्रसार होने लगा, लोग मुझे डिमांड करने लगे, मैं उनके बीच जाने लगा। और चूंकि जब लोग मुझे सुनने लगे तो मेरे साथ भी होने लगे, तो लोगों ने मुझे कहा कि अब आप स्टूडेंट लीडर ना होके अगर आप कुछ मुद्दों पर अगर हमारा साथ देंगे तो बेहतर होगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आता है जमीन को लेकर, क्योंकि वो माइंस का एरिया है, आप लोग भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कोयला हम देते हैं, सबसे ज्यादा खनिज संपदा हम देते हैं, 40% देते हैं, 27% कोयला हम देते हैं। तो उन मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी, विस्थापन के मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कुछ महिलाओं का टीम मेरे पास पहुंचे और उन महिलाओं की टीम ने हमसे कहा कि बाबू आप दिल्ली जा रहे तो सदन से बात उठाइएगा, क्योंकि गांव घर की महिलाएं हैं, उनको उतना आइडिया नहीं कि हम संसद जा रहे कि कहां जा रहे। उनको ये अभी भी मालूम नहीं कि हम चुनाव को हारे हैं, आज भी उनको लगता है कि हम चुनाव संसद है, उनके एमपी है। और वो 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए, 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये सिंदरी विधानसभा का मामला है, ये एफसीआई हर्ल का मामला है, जहां 1942 के आसपास उनका जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिल पाया है, आज भी ये लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बिल्कुल धनंजय दास ने बढ़िया बात कहा कि क्षेत्र मुद्दा कुछ नहीं होता, एक्चुअली नेशनल मुद्दा होता है। जमीन अधिग्रहण का विषय नेशनल है, माइंस का विषय नेशनल है, लेकिन उन विषयों को जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो नेशनल का विमर्श होता है, वहां स्थान नहीं मिल पाता है, जिस कारण आज हमारे राज्य की दशा है और हमारा राज्य लगातार उपेक्षित हो रहा है। तो इसलिए आज जब हम लोग पॉलिटिक्स में आए, आप लोगों से सुनते होंगे कि मैंने कई दर्जन जूते घिस जाते हैं जब उनको एक पार्षद का चुनाव लड़ने का ऑफर मिलता है किसी पार्टी से। और आप विश्वास कीजिए, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी एक साल नहीं हुआ, 18 जून आएगा तब हम लोग का एक साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे। यानी एक साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए, 8 लाख। और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे, 3,47,000 वोट लेके आए, अभी इंडिपेंडेंट, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का एक साल के दरमियान चुनाव लड़ता है और पहले प्रयास में 3.5 लाख वोट लेके आता है, 27.5% जो दूसरे स्थान पर थे उनका 29 था, जो पहले पायदान पर थे उनका 34 या 35 था। तो ये कहीं ना कहीं हुआ, हम लोगों ने क्लियर कट बात किया, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात किया, उन समस्याओं को निराकरण करने पर बात किया, इसलिए लोगों का हमने भरोसा जीता। और बिल्कुल जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे, कई न्यूज़पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जयराम। और जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारी लड़ाई रोटी की है, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है, और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहे, और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। वो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, एनडीए का भी प्रत्याशी हो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, उसकी विचारधारा कैसी हो, वो आपराधिक मामला हो, वो अच्छा है कि नहीं, कोई मामला नहीं, दोनों का 3.5 लाख साइलेंट वोटर होता है। उस भीड़ में एंट्री करना, और हम लोग अपने आप को पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था वो भी अभी नहीं हुआ है, हमारा ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना हमें अभी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है। 8 लोकसभा में हम लोगों को 4 सिंबल मिला, मेरा गैस सिलेंडर था, हमारे 2 साथियों का कैंची था, एक का गन्ना किसान था, 2 का हेलमेट था। तो उन परिस्थितियों के बाद भी हम लोग लगभग 8 लाख वोट 8 लोकसभा से, यानी एवरेज 1 लाख मान सकते हैं, हमने 1-1 लोकसभा से लेकर आए, जो कि मतलब आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें हम लोग इसलिए हासिल कर पाए कि राज्यवासियों को हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आपके नेता जब चुन के जाएंगे, आपके वोट से चुन के जाएंगे, तो आपके जैसे होंगे। जैसे जब हम स्कूल डेमोक्रेसी के जो स्कूल में जब मेरा राउंड टेबल था, तो हमारे कुछ साथी आए जो दिल्ली में रहते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, अच्छी सैलरी, आके हम टूरियन में थे और टी शर्ट में थे, आके हमें एक शर्ट लेकर आए, जींस लेकर आए, बोला नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं, हम जनता के लीडर हैं, मेरी जनता जो एफर्ट कर पाएगी हम उसी ड्रेस में आएंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगा हम झारखंड वापस चले जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो जनता को हम लोगों ने यह संदेश दिया कि आपका वोट है, क्योंकि जो तारीख थी वो 25 जून का, 25 मई का तारीख था, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, आप झुलसते हुए वोट देंगे, और जो आपके बीच चुनाव जीत के जाएगा, अगर वो एसी के कमरे में जाके धाक से बैठेगा तो आपका लीडर नहीं है। इसलिए आप अगर हम चुन रहे हैं तो आप विश्वास जताइए हम आपके जैसे हैं और आपके जैसे बन के रहेंगे। और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 2200 बूथ आता है, उसमें हम लोगों ने मात्र 1200 से 1400 बूथ में एजेंट रखा था, 1000 बूथ में हमारा एजेंट भी नहीं था, 1 रुपया हम लोगों ने बूथ खर्च के नाम पर किसी को नहीं दिया था कि 1 रुपया आप बूथ खर्च के नाम पर ले लीजिए।
कुछ भी हम लोग नहीं दिए थे, बस हमने इतना कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देंगे। हमने ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, पहले चुनाव जीतते हैं और सबसे पहले अपना जमीन लेते हैं। और मेरा भी मानना है कि आज के दौर में इंसान की सबसे अहम संपत्ति जमीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि एक इंजीनियर गारंटी नहीं लगा कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा। आज जो भाई लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, जो बहन लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, वो भी गारंटी नहीं लगी उनका बच्चा जेएनयू में ही पढ़ेगा। जो डॉक्टर है वो गारंटी नहीं लेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक किसान गारंटी लेगा कि उसके पास खेत सलामत रहेगा तो उसका बेटा खेती करके जीविका उपार्जन कर लेगा। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र के बाहर कहीं एक जमीन नहीं लेंगे। आज हमारे झारखंड या फिर बाकी जो स्टेट के लीडर है, आप भी देखते होंगे ये फार्म हाउस इनका है, यहां से इतना दूरी तक 100 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक यहां इनका साम्राज्य है। तो हमने जनता को यह विश्वास दिलाया कि हम अगर आपके लीडर हैं तो हमारा सारा चीज दिनचर्या आपके जैसा होना चाहिए। हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? अगर हम में आपसे अलग जरा सा भी क्वालिटी है तो फिर आप अपना वोट हमें मत दीजिएगा, हम आपके लीडर नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक झारखंड की धरती से एक सुंदर मैसेज आया है और उस मैसेज को हम लोग 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है वहां हम लोग लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो पैसे का बात आता है, जो हमेशा चैलेंज रहता है पॉलिटिक्स में, वो चैलेंज हमारे झारखंड में नहीं दिखा। और अभी भी हमें लगता है कि अगर हम गांव में जाएंगे तो किसी गांव में महिलाएं चावल इकट्ठा करके रख दी हैं, किसी गांव में वह आलू प्याज की सब्जियां इकट्ठा करके रख दी हैं, और मुझे लगता है अगर आज उन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे तो शायद 10 से 15 लाख रुपये आ जाएंगे। यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जनता को विश्वास में कैसे लेते हैं, क्या आप उनके विश्वासों में ढल पाते हैं कि नहीं। और हम लोग पूरा 2 साल जो हम लोग का बीता वो उनके विश्वासों को हमने जीतने का काम किया। आज हम लोग जब चुनाव था लगभग 4 बजे 5 बजे सुबह तक हम लोग सभाएं करते थे, 7 बजे उठ के फिर चले जाते थे। और मैंने हम लोग इस प्रकार से अपना स्ट्रगल किए कि जनता को लगा कि हाँ ये बच्चे झूठ नहीं कह रहे हैं, जो ये बच्चे हमारे बीच आए हैं ये बदलने वाले लोगों में से नहीं। और निसंदेह हमें जब हम लोग अपना ग्रोथ होने लगा तो दोनों राजनीतिक दलों ने हमें ऑफर किया, इंडिया गठबंधन ने भी और एनडीए गठबंधन ने भी, कि आप हमारे टिकट से ही लोकसभा का चुनाव लड़िए अगर आपको लड़ना ही है तो। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि देखिए आप दिल्ली में बैठ के झारखंड को नहीं देख सकते हैं, आप दिल्ली में बैठकर हमारे झारखंड को नहीं देख सकते हैं, अतः हम झारखंड की आइडेंटिटी के साथ आपके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली में बैठकर आपसे सवाल करेंगे कि हमने 40% आपको खनिज दिया, बदले में आपने 40 मिनट का मीटिंग झारखंड के पीओ ने किया। तो आज इसीलिए उनको हम लोगों ने दरकिनार किया, उन राजनीतिक दलों को दरकिनार किया कि हम लोग जैसा भी होगा, क्योंकि हमारी जो ये राजनीति है वो चुनाव के हार जीत से ऊपर है, चुनाव की हार जीत से बियॉन्ड की हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग जहां से छोड़ के जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी उसको वहां से स्टार्ट करेगी। लेकिन आज अगर हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, आज अगर हम लोग अपने उद्देश्यों से समझौता करेंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी के पास जनता के बीच खड़ा होने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वह जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता दिया जनता के विश्वास को, हमने प्राथमिकता दिया कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है वो जिंदा रहे। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा का चुनाव काफी हम लोग के लिए एक सीखने के लायक रहा और झारखंड की राजनीति में एक बदलाव का संकेत भी देकर गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का जब चुनाव होगा हम लोग बेहतर करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं झारखंड के विषय में। देखिए झारखंड, झारखंड जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि झारखंड का असल अर्थ क्या है। झाड़ का मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है जमीन। तो अगर हमारे राज्य को अगर देखा जाए और अगर हमारे राज्य को सुरक्षित किया जाए तो बस उसके नाम को सुरक्षित किया जाए, झाड़ यानी जंगलों को। अगर हमारे जंगल सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जंगलों का अवैध कटाई नहीं होगा, उद्योगपतियों के हाथों में हमारे जंगलों का बेचा नहीं जाएगा तो हमारा झारखंड बहुत सुंदर है। और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। मैंने बार बार कहा, क्योंकि हम लोग माइंस के एरिया से आते हैं तो जाहिर सी बात है योजनाएं परियोजनाएं वहां जाएंगी, सरकार की नीतियां वहां तक पहुंचेंगी। लेकिन हमने बार बार इस बात का दलील दिया कि जो भी अगर आप कोई योजना लेके आते हैं, अगर उस योजना के लिए आपको किसानों की जमीन लेनी पड़ती है तो आप कम से कम एक बेहतर पॉलिसी बना के जाइए, एक बेहतर विस्थापन की नीति बना के जाइए। अब बताइए 1942 में विस्थापित हुए आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, 1958 में विस्थापित हुए उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो फिर हमें तो कभी कभी सवाल, मतलब मन में एक सवाल आता है कि वास्तव में ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। या फिर जो भगत सिंह चिंता जताते थे कि हम आजादी तो अंग्रेजों से छीन लेंगे लेकिन ये आजादी भारत देश के ही 10% भूरों के हाथों में लटक के रह जाएगी, आज वो उनका जो विचार था, उनकी जो सोच थी, आज चरितार्थ हो रही है। आज 1942 का अगर मामला अटका हुआ है, आज हम लोग अपनी जमीन देने के बाद भी, हमारा गांव का गांव उजड़ने के बाद भी, आज अगर हम लोग न्याय के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल होता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने यह दलील दिया पूरे राज्य के सामने जाकर कि यदि हमारी जमीन किसी माइंस के लिए ली जाती है, किसी नए उद्योग के लिए ली जाती है तो वहां एक बेहतर विस्थापन नीति बने। और पहला ये हो प्रयास कि अगर उद्योग की स्थापना हो तो ऐसे जगह पर हो जहां फसलें ना उगाई जाती हो। अभी एक बड़का गांव क्षेत्र आता है, वहां देखिए लगभग 2 साल से अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वह कोयला खनन के लिए बहुत उत्सुक है और लोग लगातार 2 साल से उन्हीं खेतों पर धरना देकर बैठे हैं। लेकिन किसी न्यूज में नहीं, किसी चैनल में नहीं, यहाँ सीमा मैडम आ जाती है कहां से तो वो नेशनल न्यूज बन जाता है,
लेकिन आज 2 साल से अपने खेतों पर बैठे हैं, ये बोलकर बैठे हैं कि इस खेत से हम लोग 4 प्रकार की फसल उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं, लेकिन आज उसको कहीं 3,000 रुपए प्रति डिसमिल आ रहा है, कहीं 4,000 रुपए प्रति डिसमिल आ रहा है, यानी मामूली दर में उन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। वे लोग आज 2 वर्षों से धरने पर बैठे हैं, वहां अगर परिवार का एक ना एक सदस्य उस धरने पर आज 2 सालों से बैठा है, अगर कोई घर खाने के लिए जाता है तो ड्यूटी में दूसरा सदस्य आके बैठता है, और वहां का माहौल एक ऐसा कर्फ्यू लगा है जैसे मानो आप तालिबान में प्रवेश किए हो, पुलिस का इस प्रकार से चौकसी है, चौकन्ने है, मानो आप तालिबान में प्रवेश किए हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जमीनें हमारी हैं। सबसे पहला बात, जो भूमि अधिग्रहण का कानून, चूंकि एक बेहतरीन मीडिया मैंने हाल ही फिलहाल का घटना है, एक नक्सली का इंटरव्यू आया था, जैसे आप कहते हैं कि जेएनयू को लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम भी, हमारे जो झारखंड को है, लोग अगर कोई विरोध की आवाज गूंजे, अगर जल जमीन जंगल की बात करें तो उसे नक्सली कहा जाता है। तो एक नक्सली का इंटरव्यू लिया गया था, उसने स्पष्ट कहा कि अगर झारखंड की समस्या का समाधान करना है तो 50% समस्या का समाधान केवल भूमि अधिग्रहण कानून से हो जाएगा। 50% जो समस्याएं हैं वो केवल और केवल भूमि अधिग्रहण कानून को आप सुदृढ़ कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए, झारखंड की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं, चूंकि जिस आवाज को हम लोग सदन में रखना चाहते थे, हम लोग चुनाव जीत नहीं पाए, आता सदन में तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम जेएनयू परिसर में हैं, जेएनयू के छात्र परिवार के बीच में हैं, माननीय अध्यक्ष के बीच हम उपस्थित हैं। जब जेएनयू में कभी कोई विमर्श हो, कभी विचार मंथन चिंतन का कोई कार्यक्रम हो, हम चाहेंगे कि झारखंड के मुद्दों को भी आप चर्चा करें, बेशक सदन में हमारी आवाज कोई ना बने, हम चाहेंगे जेएनयू के परिसर में हमारी आवाज को रखी जाए, हमारी आवाज को सुनी जाए, हमारी विचारों पर चिंतन मंथन किया जाए, हमारे मुद्दों पर चिंतन मंथन किया जाए, ये हम जेएनयू परिवार से अपेक्षा रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये झारखंड की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते करते आज कई पीढ़ी बीत चुके हैं। आज हमारे दादाजी अपने नेक्स्ट पीढ़ी को विरासत में आंदोलन देकर गए हैं, वो पीढ़ी हमें विरासत में आंदोलन देके जा रही है, ये झारखंड की परिस्थितियां हैं। तो इसलिए इसका समाधान निसंदेह उस सदन में है, उस सदन में जो लोग बैठे हैं उनके कलम में है, लेकिन उनकी चाहत क्या है, वो चाहते क्या है? अगर उनमें सामाजिक न्याय है, अगर उनमें सामाजिक समरसता है, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान करने में पल भर की देरी नहीं लगेगी। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि लोग हास्य में रहें, उनकी जय जयकार करें, उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, तो शायद ये प्रयास भी ना करें, नहीं तो आज 70 साल नहीं बीत जाते। इसलिए मेरे, और मैं आपको एक ताजुब की बात बताना चाहूंगा, आज सेव की बात कही जाए तो सेव आपका कश्मीर में मिलता है, लेकिन जब कश्मीर का सेव हमारे झारखंड में जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट में अंतर आता है। अगर कश्मीर का सेव आपके दिल्ली में भी आएगा तो रेट में अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में आपका नारियल पाया जाता है, जो रेट दक्षिण भारत के नारियल का दक्षिण भारत में, वो रेट दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारा कोयला का रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही। अब क्यों है मुझे आइडिया नहीं, यानी हमारे राज्य के साथ इस प्रकार का शोषण दोहन है, जिसको, जिस व्यथा को हम लोग सदन में रखना चाहते थे, इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन अवसर इस बार नहीं मिला है। जब अवसर मिलेगा अपने राज्य की व्यथा को वहां तक जरूर पहुंचाएंगे और उसका समाधान लेके आएंगे। आज हम लोग लगभग 27% कोयला अकेले देते हैं, प्रमुख 8 यूनिट हैं कोयला के, शायद 2 सब्सिडी टाइप के हैं, प्रमुख 8 यूनिट हैं कोयला के, जैसे मैं जानकारी है, बीच का मैं अध्ययन नहीं किया हूं, उनमें 4 यूनिट हमारे झारखंड में है, लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, हमें कलकत्ता से कोई आपत्ति नहीं है, न कलकत्ता के लोगों से है। मेरा ये तर्क है कि जमीन हमारी गई, एक नहीं, एक एक कोयला की परियोजना में 100-100 गाँव उजाड़े हैं, और गाँव के अंदर से आग निकलती है, उस आग के बाद न जाने कई प्रकार के ऐसे गैसेस निकलते हैं जिससे हमें महामारियों के रूप में सामना करना पड़ता है। हम गांव से बेदखल हो गए, अपनी जमीन से बेदखल हो गए, हम अपने पूर्वजों की संपत्ति धान और गेहूं से बेदखल हो गए। तो मेरा मानना है, जब बेदखल हमारा हुआ है, उस जमीन के नीचे कत्लेआम हमारा हुआ है, तो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता न हो कि हमारे झारखंड के धनबाद बुकारो में होता, तो हमारी समस्याओं का समाधान त्वरित होता, हम समस्याओं का समाधान लेके वहां पहुंचते। तो मतलब कह सकते हैं झारखंड, यही नहीं, और चूंकि हम लोग मान के चलिए कि स्टूडेंट है, तो हो सके आपके बीच जब हम इन बातों को रख रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हम केवल सुना रहे हैं। जी नहीं, हमारी कुछ दिन पूर्व बात एक नागपुर में कार्यरत डायरेक्टर से हो रहे थे, जो खनन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसी बात का तर्क दिया कि पता नहीं यार झारखंड के साथ ऐसा क्यों होता है, हम लोग महाराष्ट्र में WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तहत 75 लोगों को नौकरी देने का काम किया, फिर उनका जमीन अधिग्रहण किए, लेकिन हमारे यहाँ पहले जमीन मैंने ताकत से लिया जाता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। झारखंड में आप उसी शासन को देख सकते हैं, अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो प्रशासन की टीम आएगी। मैंने तो कई अवसरों पर, कभी धरना में मैं गया तो वहां मैंने बकायदा SP से सवाल भी किया कि सर मुझे आपके कृत्य को देखकर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ही है। मैंने ये पूछा कि आप, हम कंपनी से अपना आंदोलन करने आए हैं, हम कंपनी से अपनी मांग रखने आए हैं, तो आप चारों तरफ घेर के हमें खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो लाठी चार्ज करेंगे क्यों? तो उन्होंने कहा कि कंपनियां हमें टैक्स देती है, तो हमने एक सवाल किया, हमारा किसान का खेत भी तो टैक्स देता है, अगर हमारे खेतों में हाथी आता है आप कभी घेर के खड़े नहीं होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है जरा बताइए? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, आप कंपनियों में तालाबंदी करने के लिए आए हैं, आप कंपनियों में घेराबंदी करने के लिए आए हैं,
तो भैया उससे क्या होता, काम ठप होगा और नुकसान होगा राजस्व का। ये कंपनियां टैक्स देती हैं जिससे देश चलता है। तो हमने एक मामूली सवाल किया कि हमारा खेत भी टैक्स देता है, हम भी मालगुजारी कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, तो जब मेरे खेत में कोई जंगली सुअर आ जाता है, मेरे खेत में जब कोई जंगली हाथी आ जाता है, तब एसपी साहब आप कहे नहीं आते पुलिस का दल बल लेके, तो हम कैसे मानेंगे गांधी का देश है भैया। हम क्यों ना कहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आज भी इनडायरेक्ट रूप से चल रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की सत्ता में कायम है और वे अपने अनुसार इस देश की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये समस्याएं आज झारखंड की धीरे धीरे विकराल हो रही हैं। आज अगर उन समस्याओं पर कोई नजर नहीं दौड़ाएगा तो बहुत मैंने विकराल दृश्य सामने आएगा। हमारे वहां एक जादू घोड़ा आता है, उसे आप जनरल नॉलेज में शायद पढ़े होंगे, यूरेनियम का वहां खनन किया जाता है। वहां का 2008 का एक बेहतरीन मैंने एक वहां सर्वे आया था जिसमें स्पष्ट है कि वहां लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो मैंने गर्भधारण नहीं कर पाती है, फिर भी खनन का कार्य जारी है। तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि आप विस्थापन पॉलिसी लेके आइए, अगर आपको खनन करना है तो आप उस प्लेस को चिन्हित कीजिए जहां आपको खनन करना है और बकायदा उस गांव को कम से कम 5 किलोमीटर दूर बसाइए, ये तो आपको करना होगा। अगर आप जमीन के बदले जमीन उसको नहीं देंगे तो वो रहेगा कहां, क्योंकि आप जिस दर से जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं उस दर से वो नया जमीन नहीं खरीद पाएगा। 3 लाख 4 लाख में एकड़ जमीन खरीद ले रहे हैं, वो अगर मार्केट में जाएगा तो डिसमिल का दाम 1 लाख रुपया है। तो वहां लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भधारण ही नहीं कर पाती। उसके बाद भी एक ट्रेजेडी क्या होती है कि उस यूरेनियम को खनन करने के बाद वो फिल्टर करने के हैदराबाद लेके आते हैं, बकायदा हैदराबाद में बड़ी अच्छी तरीके से उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो उसका बेहतरीन मटेरियल बचता है उसको प्रयोगशाला में भेजा जाता है और जो कचरा बचता है जिससे मैंने कुछ बीमारी फैलने की आशंका होगी उसे फिर झारखंड रिपोर्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसा नहीं हुआ कि हमने केला दिल्ली में खरीदा, उस केले को लेकर मैंने चले गए नोएडा, नोएडा में बैठ के केले को खाएं और फिर रिटर्न छिलके को दिल्ली को सौंपने आए, कितना हास्यपद है। तो ये स्थितियां हमारे राज्य के साथ है और दुर्भाग्य इस बात का है कि मैंने जब देश का विचार विमर्श होता है वहां इन विषयों को स्थान नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही था कि अगर हम लोग चुनाव को जीत के जाएंगे तो जो इशू झारखंड के हैं उनको देश के पटल पे रखा जाएगा, जो देश का विचार विमर्श का थिंक टैंक बैठेगा वहां अपनी बातों को हम लोग पहुंचा सके। और पता नहीं दुर्भाग्य कही है या फिर क्या कारण है कि आज भी जो हमारे झारखंड से उठकर जो लीडर आते हैं बोल्डली उन बातों को रख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब जब मैंने कंपनियों पे सवाल खड़ा किया, मैंने तो कई अवसर पर टाटा पे भी सवाल खड़ा किया है, नो डाउट दुनिया में उनका बहुत नाम है लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है उनके सामने उनका कोई नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं झारखंड से आता हूं और टाटा जमशेदपुर बकायदा टाटा के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहां का जो धरातल का रिपोर्ट जानना चाहेंगे तो झारखंड जा सकते हैं, बाकी दुनिया में उनका बेहतरीन नाम है नो डाउट, मैं उनके नाम में कटौती भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिनके कारण जिन्होंने जमीन देकर टाटा को बसाया उनके बीच आप जाइएगा वहां नकारात्मक न्यूज मिलेगा। तो बकायदा मैंने वहां भी सवाल खड़ा किया है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, मैं न्यूज के सामने बैठता हूं, तो ये लोग पहले कैमरा को ऑफ करने के बाद पूछते हैं, यार तुम क्या हो, इंसान ही हो ना, तुमको डर नहीं लगता है? तो हम एक ही लाइन देते हैं कि सूरज का भी अंत होगा, धरती का भी अंत होगा, हम तो 60 साल की आयु जीने वाले हैं, हमको किस बात का डर है, जब तक रहेंगे झारखंड की आवाज को जोरदार तरीके से हम रखेंगे। कई अवसरों पर न्यूज वाले मुझे खुद कहते हैं, कैमरे को ऑफ करके कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम डायरेक्ट अटैक करते हो। हम बोले हम तो जो उनका तथ्य है, तर्क है, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, उनको हम तो पहले वेरीफाई करते हैं, सत्यता की पुष्टि करते हैं, फिर उन बातों को रखते हैं। तो इसलिए आज नो डाउट आज जिस चिंतन मंथन के लिए हम लोग आए हैं, जो स्थानीय मुद्दे, सही बात है स्थानीय मुद्दे एक्चुअली उनको नजरिया है, बाकी जो हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय नहीं, वो तो नेशनल इश्यूज है। माइंस स्थानीय नहीं है, भूमि अधिग्रहण स्थानीय नहीं है, डिस्प्लेसमेंट स्थानीय नहीं है, जो भी हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय कहाँ है, वो तो नेशनल इश्यू का पार्ट बनने वाले मुद्दे हैं। अगर हम भूमि अधिग्रहण की बात करेंगे तो भारतीय संविधान अनुसूची 9 का विषय है, तो अनुसूची 9 स्थानीय विषय कहां से हुआ? हम माइंस एक्ट की बात करेंगे, कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो वो सेंट्रल इश्यू है, वो स्थानीय विषय कहां से रहा? एक्चुअली नजरिया लोगों का नकारात्मक रहा है, उस नकारात्मक नजरिए को हम लोग बदलने के लिए एक सार्थक प्रयास करने के लिए घर से निकले हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना है झारखंड की मिट्टी हमेशा आंदोलन की धरती रही है और हमेशा आंदोलन से उसका सामना रहा है। अंग्रेजों का भी हमने जब अंग्रेज आधुनिक तोपों के साथ आते थे, हम लोग पौराणिक तीरों के साथ उनका मुकाबला करते थे, हम उस मिट्टी के उस उन लोगों के वंशज हैं। अतः जब तक हम लोग की सांसें हैं, जब तक हमारी जुबां है, जब तक हम लोग हैं, अपने झारखंड के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम लोग बोलेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे और उन विषयों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उसका कहीं से समाधान निकले। आज एक राइटर, उनका नाम है ज्योतिलाल महतो, जो पुरलिया से संबंधित है, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक लाइन लिखी अपनी किताब में झारखंड के विस्थापितों का दर्द, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, अब हमें छोड़ दिया जाए। ये लाइन वो कह रहे हैं उन तमाम उद्यमियों से
ये लाइन उनसे कह रहे हैं कि जो सत्ता के गलियारों में रह के हमारा दोहन करते हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते, हम 150 सालों से 2 सालों से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, अब हमें शांत रहने दिया जाए, हमें दामोदर की नदियों के किनारे, हमें स्वर्ण रेखा नदियों के किनारे शांत रहने दिया जाए, हम अपने खेतों के सहारे, खेत खलिहानों के सहारे, इन बहते हुए नदी के धारों के साथ जीना चाहते हैं, अब हमें शांत रहने दिया जाए, हम अब लड़ना नहीं चाहते। ये परिस्थितियां हैं हमारी, आज कई वर्षों से हम लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे विषय को ना कोई सुनने वाला है, ना उस पर विचार चिंतन मंथन करने वाला है। तो इसलिए हम आशा करते हैं आज जेएनयू परिसर में खड़े होकर, कि जब जेएनयू में किसी प्रकार का चिंतन मंथन हो तो हम चाहेंगे कम ही समय मिले, कुछ ही समय मिले, हमारे झारखंड के इशू पर भी बात हो, हमारे झारखंड के लोगों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान पर बात हो, मैं ये अपेक्षा करता हूं। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चूंकि झारखंड की व्यथा इतनी है और मुद्दे इतने हैं और आज के विषय पर बात भी इतने हैं कि शायद रात खत्म हो जाएगी। तो खैर, आप सबों का प्यार मिला, आप सब सुने, और दिल्ली जैसे शहर में हम लोग गांव के लड़के को सुनने का आपने काम किया, उसके लिए सभी का अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं, जोहार करते हैं। और अंत में इतना ही कहेंगे कि हम लोग अपनी आवाज के माध्यम से भारत बचाने की ही मुहिम है, क्योंकि गांधी कहते थे भारत की आत्मा बसती है गाँव में और गाँव की आत्मा बसती है किसानों में। हम तो किसानों की बात करने निकले हैं, हमने कभी उद्योग का विरोध नहीं किया, हमने कहा उद्योग सिस्टमेटिक लगे, क्योंकि हर कोई उद्यमी नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई किसान हो सकता है, हर कोई अनाज उत्पादन कर सकता है, हर कोई अनाज, हर किसी का पेट अनाज से ही भरता है। इसीलिए मैंने प्राथमिक प्रथम स्थान पर किसानों को ही रखा है, इसीलिए मैंने पहला जो अपने आवाज बुलंद किया है वो किसान के खेत और खलिहान को लेकर किया है। और ये मेरी आवाज नहीं, ये आवाज तो देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की थी, जो कहा करते थे कि किसानों एक नजर रखना लाल किला के मचान पे और दूसरी नजर रखना खेत खलिहान पे। तो हम तो उन्हीं विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, उसी विचार को आत्मसात करके आगे बढ़े हैं, और हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले युवा हैं। हम चाहते हैं ये भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जो जेल डायरी में लिख के जाते हैं कि इस देश में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज भारत के हालात क्या है ये आपसे नहीं छुपा है, आप सुधारते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप यहाँ जितने छात्र बैठे हैं इस देश के भविष्य हैं, आपसे ये बात छुपा नहीं है। आज देश की क्या स्थिति है, आज व्यक्ति के पास ये हालात उत्पन्न हो गए हैं कि उसे अपने आप को बेचना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य एक अपने आप को अपने आने वाली पीढ़ी की खुशियों को प्राप्त करने के लिए बंधवा मजदूर बना के रखना पड़ रहा है, ये परिस्थितियां हैं। तो आज भगत सिंह ने जो 100 साल पहले जो चिंताएं जताई थी, जो 1920-25-1930 के दौर में, आज 2024 में भी वो चिंताएं सत्य हो रही है, आज उनकी एक एक चिंता सत्य हो रही है। तो इनका समाधान केवल हमारे भाषणों में नहीं है, इनका समाधान केवल हमारे संघर्षों में नहीं है, इनका समाधान धरातल पर है, जब हमारे जैसे नौजवान राजनीति में आएंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैंने बार बार अपने संबोधन में भी अपने जनता को एक ही चीज कहा है कि इस देश में कानून इंजीनियर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून डॉक्टर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून प्रोफेसर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून दो ही जगह बनते हैं, या तो आपके संसद में या तो विधानमंडल में, वहां आपको जाना होगा, जब वहां सैद्धांतिक राजनीति करने वाले युवा बैठेंगे, उन चिंतन शिविरों का हिस्सा बनेंगे, इस देश में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन सवाल यह भी होता है कि जब वो युवा जो आज आक्रोशित है, जो आज कुंठित है, जो आज इस बात को चाहता है कि बदलाव हो, जब वो राजनीति के गलियारों में कदम रखेगा, अपने आप को उन विचारधाराओं के साथ टिका के रख पाता है कि नहीं, ये चुनौती है, ये चुनौती है। क्योंकि हम जिस उम्र में हैं ये स्वाभाविक है, यही बात करने की उम्र है, हमारा यही लहजा होता है, हम लोग इसी लहजे में बात करते हैं, यही आक्रोश में बात करते हैं, यही उग्र स्वभाव में हम लोग बात करते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि ये जरा मातो जो आज आपके बीच खड़ा होकर बात कर रहा है, ये झारखंड में अस्पार के छत से जो खड़ा होकर बात कहता है, क्या सदन में हमारी उपस्थिति यही हो पाएगी कि नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। जिस दिन हमारे दोनों कैरेक्टर में अंतर नहीं होगा, जो हम छात्र जीवन में सरकार की नीतियों को लेकर जितनी आलोचना कठोरता के साथ करते हैं, और संसद भवन के भीतर भी बैठकर जिस प्रकार हम आलोचना कठोरता के साथ करेंगे, अगर हमारे दोनों चरित्र में बदलाव नहीं होगा तो देश जरूर बदलेगा, इस बात की गारंटी। मैं देश का तो वर्तमान में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आधे झारखंड को मैं तब्दील करूंगा। मैं पूरे झारखंड की भी बात नहीं कह रहा हूं, झारखंड में विविधताओं का राज्य है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, लेकिन मैं जहां से संबंध करता हूं उसे उत्तरी छोटानागपुर कहा जाता है, वहां तो हम लोगों ने एक पुरदा बहुत बेहतरीन तरीके से बिगुल फोंकने का काम किया है, और वो उसके जो पड़ोसी हिस्से हैं यानी प्रमंडल के हिसाब से, वहां भी वो झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल हम लोग जो कहते हैं उन विचारधाराओं को राजनीति में लेकर आए हैं, और हम लोगों ने जो जनता के बीच कहा है उस पर हम लोग अमल रहेंगे, इस बात की हम लोगों ने गारंटी दिया है, तभी आज हमें 8 लाख वोट मिले हैं। तो इसलिए जिन विषयों पर हम लोग चिंतन मंथन करते हैं, जिन विषयों को लेकर हम लोग आलोचनाएं करते हैं, विवेचनाएं करते हैं, जब हम उस गलियारों में प्रवेश करते हैं, जब जिम्मेवारी के पदों पर अपने आप को स्थापित करते हैं, वहां हमारा नजरिया कैसा रहता है, वहां हमारा व्यवहार कैसा रहता है, वहां हमारा चरित्र क्या रहता है, ये मायने है। नो डाउट आज जिस परिसर में मैं बैठा हूं, इन्हीं में से
आप अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे भविष्य में, इसमें कोई शंका नहीं है, ये जेएनयू है। मुझे इस बात को कहने में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग जब यहां से निकल कर जाएंगे अपने शिक्षा को ग्रहण करने के बाद, जब जेएनयू के परिसर से बाहर निकलेंगे, निसंदेह आप भारत सरकार में या अपने राज्य सरकार के ऊंचे पदों पर स्थापित होंगे। बहुत सारे हमारे साथी राजनीति में अपने आप को स्थापित भी करेंगे, लेकिन आज जैसा आप हैं वहां जाने के बाद अगर ऐसा रहेंगे तो मुझे लगता है यह देश जरूर बदलेगा, और बदलना चाहिए, यह देश बदलना चाहिए। नहीं तो आज जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिन परिस्थितियों से हम सामना कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रुक रहा इन हवाओं का, तो 20 वर्षों में 25 वर्षों में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इनसे बेहतर तो अंग्रेज थे। आज अगर, चूंकि मैं झारखंड से आता हूं, मैं किसी भी बात को लेकर मैं अपने हक को मांगने जाता हूं, तो प्रशासन एक चीज हमें उपहार में रखी है, जैसा आपने फूलों की गुलदस्ता हमें थमाई, वो 353 का धारा रखती है। क्या ये स्वागत है? 353 का धारा सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। अब बस वहीं से आपका किस्सा खत्म, वहां से अगर आप हिम्मत ही नहीं है, आप अगर हौसले वाले नहीं है, तो आपका किस्सा खत्म। आप मत बात कीजिए विस्थापितों की, आप मत बात कीजिए छात्रों की, आप मत बात कीजिए किसानों की, आपका स्वागत 353 की धारा से। तो खैर, विषय को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आप सबों को पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने जेएनयू के ऐतिहासिक परिसर में, भारत देश के नामचीन परिसर में मुझे आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं तमाम जेएनयू परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः जय हिंद, जोहार झारखंड, लाल सलाम।